कैमरा के सामने बात करने से क्या होगा, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके उस पे वीडियो बनाने से क्या होगा, बकवास कमेंट्स आएंगे, घर वाले गाली देंगे, दोस्त हंसेंगे, और क्या ही होगा यार। और ये होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये होगा कि तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन का सपना पूरा होगा। तुम्हें शायद खुद के बारे में अच्छा लगेगा कि इतने टाइम से जो तुम करना चाहते हो वो फाइनली तुमने शुरू कर दिया। अगर ये करते ही रहोगे तो जरूर एक दिन चैनल या सोशल मीडिया पे पैसे कमाने लग जाओगे। और क्या चाहिए, देखो मुझे भी डर लगता था कैमरा के सामने आके बात करने से, अपना आवाज रिकॉर्ड करके वीडियो बनाने से मैं भी डरा। इसी डर में मैंने 5 से 7 साल वेस्ट कर दिए, पर अब और नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया है। लोग कुछ भी बोले, कैसे भी कमेंट्स आए, घर वाले गुस्सा करे या दोस्त हंसे, लाइफ तो मेरी है ना यार। क्या होगा अगर मैं हार गया, कुछ नहीं होगा, मैंने कोशिश की, मैं हार गया तो मुझे कुछ सीखने मिलेगा, ये एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं होगा, ये पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस मेरे सेल्स में काम आएगा, मतलब मेरे सेल्स ज्यादा होंगे। अगर मैं इंटरव्यू में गया तो मेरा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, लड़की शायद इजीली पड़ जाएगी, पर मुझे फिलहाल लड़की नहीं पटानी है। पर क्या होगा अगर ये मैंने नहीं किया, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, मेरा राइटिंग एडिटिंग शूटिंग बेटर नहीं होगा, मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर नहीं बन पाऊंगा, मोनेटाइजेशन क्या होता है ये कभी सीख नहीं पाऊंगा, कंटेंट से कभी पैसे भी नहीं बना पाऊंगा, और अपना पर्सनल ब्रांडिंग तो बस एक सपना ही रह जाएगा, और बहुत सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा। पर क्या होगा अगर मैं करूं कंटेंट को क्रिएट, अपनी शक्ल दिखा के या एटलीस्ट अपनी आवाज डाल के, सिर्फ स्टार्ट ही करना होगा, सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी। गलत होने में कोई बुराई नहीं है, हम गलती करेंगे तभी तो हम सीखेंगे, और हम सीखेंगे तभी तो हम बढ़ेंगे, और जब हम बढ़ेंगे तब हमारे सपने भी तो पूरे होंगे। और ज्यादा मिला हुआ कॉन्फिडेंस किसको पसंद नहीं, Until वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। मैंने कंटेंट बनाना शायद 7, 8 या 9, 10 साल पहले शुरू किया था। आज तक कोई भी सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल या कुछ भी सक्सेसफुल मैं नहीं बना पाया हूँ, क्योंकि मैं कभी भी सीरियस नहीं था। मैं कुछ बनाता था, फिर भूल जाता था, फिर कोई और चैनल पे काम करता था, फिर कोई और चैनल, और फिर कोई और चैनल, और ऐसे करते करते मैं भटक जाता था। पर इस बार मैं मतलब मैं सीरियस हूँ, मैं इसको एक जॉब की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, जो कि मुझे पसंद है, और इससे मेरा पर्सनल डेवलपमेंट होगा। ट्राई नहीं करने से बेहतर ये है कि मैं ट्राई करूँ और हार जाऊँ। दिमाग के अंदर की बकबक सुनने से तो ये अच्छा है कि उसको मैं लिख दूँ और उस पे वीडियो बना दूँ, शायद किसी को मदद हो जाएगी देख के, नहीं तो एटलीस्ट मैं खुद की मदद कर सकूँ, मेरे स्किल्स बेटर होंगे। ये सब इतने सालों से ही बन चालू करके ही सही मैंने कुछ चीजें सीखी है। मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव हो गया हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ, मैं खुद के बारे में थोड़ा अच्छा फील करता हूँ, मैं बस थोड़ा सा ही सही, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, हर दिन एक कदम ले रहा हूँ, हर दिन थोड़ा बेहतर हो रहा हूँ, बस थोड़ा, कल थोड़ा और, हर दिन थोड़ा और।